राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दो रंग का डिजाइन बना के दिखाऊंगी। अब ये बॉर्डर बना रखा है जो, इसको अगर आप पूरी कोटी में डालना चाहो पूरी में डाल लो, अगर इस तरह बॉर्डर बनाओ बॉर्डर बना लो। इसका इसकी वीडियो चैनल पर डाल रखी है। अब आगे मैं बॉर्डर बना रही हूँ, ये अब बॉर्डर बना के आगे डिजाइन शुरू करूँगी। दो रंग का तीन फंदे हरे रंग के बना लिए। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में डाल लेना, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल लो तो दो रंग के डिजाइन सारी जगह अच्छे लगे हैं। अब एक फंदे के हमने तीन फंदे बनाने हैं, एक जाली बना के दो तीन फंदे हमारे चार हैं। ये चार फंदे का डिजाइन है। अब हमने सीधी सिलाई में ये दो फंदे बढ़ा दिए, उल्टी में हम इनको घटा देंगे। यही अब देखो छः फंदे दिखाई दे रहे हमने, यही छः छः फंदे हमने पूरी सिलाई में बार 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 बनाने हैं। फिर आगे तीन फंदे हरे रंग के, एक दो तीन, और तीन फंदे बना देंगे एक फंदे के एक, अभी निकालना नहीं है ये फंदा, दो तीन, दो डिजाइन हो गए। फिर आगे एक दो तीन, और कोई भी दो रंग का डिजाइन बनाना है हमने तो इस तरह फंदे करके फिर धागा आगे लेकर जाना है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा डिजाइन खिंचा हुआ बनेगा, सिकुड़ाया हुआ। इस तरह करके बनाना, एक फंदे के तीन बना दिए, फिर तीन फंदे हरे रंग के बना दिए, फिर एक फंदे के तीन बना दिए हमने, फिर तीन फंदे हरे रंग के बना दिए, फिर एक फंदे के तीन बना दिए, एक दो तीन, फिर तीन फंदे हमने हरे रंग के बना दिए। अब ये सीधी सिलाई है, दो सिलाई हमने पहले एक सीधी एक उल्टी हरे रंग की उतार रखी है, एक सीधी एक उल्टी उतार दी। फिर ये सिलाई तीसरी सिलाई का लो, एक सीधी एक उल्टी उतारी थी, आगे बना के दिखाऊंगी। अब आ गई डिजाइन की दूसरी सिलाई या चौथी कह लो, दो सीधी मिला कर दो ये होगी, चौथी कह लो या डिजाइन की दूसरी सिलाई कह लो। अब देखो दो फंदे बना देंगे, जो ये हरा है, जो ये बड़े हुए फंदे ही कटाने हैं बूटी में, ये संतरी और ये दो का एक कर देंगे। इसको हम ऐसे या तो आप यूं निकाल के यूं कर लो, और ये संतरी आगे ले आए बीच में ये कर दिया, अब दो का एक कर देंगे, संतरी बनाना हमने। फिर ये फंदा संतरी, अब ये संतरी और ये फंदा ऐसे करके हमने दो का एक करना। अब ये फंदा छोड़ के एक हरा तीन संतरी, आगे पूरी सिलाई में इस तरह आएंगे। अब ये बीच वाला फंदा जो ये हमें हरे रंग का बना देंगे, देखो इस तरह आएगा। अब ये इनको हम ऐसे ये आगे ले आएंगे, संतरी वाला दो का एक करना हमने, आगे ले आके करना है, ऐसे नहीं करना, फिर संतरी हमारा दिखेगा नहीं। ऐसे इस तरफ वाला पलट के बनाना, उस तरफ वाला यूं ही बना देंगे, दो का एक, फिर ये फंदा भी। अब इनका हम यूं ही बना देंगे, देखो अब एक फंदा रहा, अब इनको हम पलट कर बनाएंगे। अगर आप यूं डले डले यूं बना सको हो, यूं डले डले पहले संतरी ले लो फिर हरा ले लो, ऐसे भी बना सकते हो आप। देखो अब इन दो का एक कर देंगे, इस तरह बनाओ इस तरह बना लो, पलट के बनाओ पलट के बना लो, जिस तरह आपको आसान लगे यूँ बना लेना। अब देखो थोड़ा सा इसको दोनों को लूज़ कर लेंगे, और फिर यूँ करके पीछे की साइड से पहले संतरी डाल लेंगे फिर हरा डाल लेंगे, दो का एक, फिर ये दो का एक। जितने फंदे हमने बढ़ाए थे वो फंदे हमने घटा दिए, बढ़ाए हमने संतरी में थे, घटाए हमने अरे वाले में थे, इस तरफ वाला भी अरे वाला घटा दिया, इस तरफ वाला भी अरे वाला घटा दिया। अब ये फंदा ऐसे लूज करके पहले पीछे की साइड से पहले संतरी फंदा डाल लेंगे यूँ पीछे की साइड से, फिर हरे रंग का फंदा डाल के यूँ बना देंगे। खुल गया था एक फंदा, अब
इसका हम 2 का 1 कर देंगे। दोनों कोने पे दो दो फंदे रहे आगे, बीच में हमारे एक एक फंदा रहा है सारी जगह। अब ये इस तरह हो गया। अब आगे फिर हम 2 सड़ाई हरे रंग की उतार देंगे, सारे फंदे हरे रंग के बना देंगे। दो दो सड़ाई आएंगी बीच बीच में, 2 सड़ाई डिजाइन की हैं, फिर 2 सड़ाई एक सीधी एक उल्टी हरे रंग की आएंगी। अब ये 2 नीचे होगी, 2 ये 4, अब ये 5वीं सड़ाई है, सारे फंदे हम 5वीं सड़ाई। अब आ गई 6ठी सड़ाई। अब 6ठी सड़ाई में भी हम सारे फंदे इस तरह उल्टे बना देंगे। बिल्कुल आसान डिजाइन है। अगर जो बहन कोई भी कोटी जर्सी बना रही है बची हुई ऊन तो खासकर मिलेगी उनका घर में, ये डिजाइन हम बची हुई ऊन का भी बना सकते हैं। जैसे बची हुई ऊन भी काम आएगी और कोटी भी बन गई और डिजाइन भी नया हो गया। अब एक लाइन ये इस रंग की डाल ली। अब दूसरी लाइन हमने बनानी इसी तरह है 2 सड़ाई, बस थोड़ी सी जगह बदलनी है डिजाइन की। देखो जो ये बीच वाला फंदा है इसके 3 कर देंगे, फिर ये 3 फंदे हम हरे कर देंगे इनको। अब इस फंदे पर बना देंगे, जो 3 फंदे पहले बनाए थे उनको बीच वाले पर बनाएंगे। एक फंदा हरा, अब 3 फंदे, एक फंदे के 3 बना देंगे, एक जाली बना के 2 3। अब आगे इन 3 फंदे को देखो, इसके ऊपर दिखाई दे रहा है ये जो 3 फंदे डिजाइन के, इनको हम अरे बना देंगे। अब 1 2 3, अब ये 6 सड़ाई तो हमने बना दी, अब ये 7वीं सड़ाई है। फिर 1 फंदे के 3 बना देंगे, 1 2 3, फिर 3 फंदे हम अरे बना देंगे, 1 2 3, फिर 1 फंदे के 3 बना देंगे। देखो ये बीच में आ गया, दोनों डिजाइनों के बीच वाले फंदे पर बनाएंगे अब की बार 7वीं सड़ाई में, 1 2 3, फिर 3 फंदे हो गए हमारे हरे रंग के, फिर 1 फंदे के 3 बना देंगे, 1 2 3, फिर 1 फंदे के फिर 3 फंदे हरे रंग के हो गए, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 फंदे के हम 3 बना देंगे, 1 2 3। अब ये कोने वाला हरे रंग का हो गया। अब देखो दोनों कोने पे एक एक हरे रंग का आ गया, बीच में सारी जगह 3 3 हरे रंग के आ गए। अब आ गई 8वीं सिलाई। अब 8वीं सिलाई में जो हमने संतरी में रंग के फंदे 2 2 बढ़ा रखे हैं वो हमने घटाने हैं। घटाने हमने बढ़ाए संतरी में थे, घटाने हमने हरे रंग के हैं। ये फंदा संतरी के साथ घटा देंगे, इधर वाला भी फंदा संतरी के साथ घटा देंगे। बीच वाला 1 फंदा हरा आएगा, 3 संतरी, 1 हरा 3 संतरी। अब 1 फंदा ये हरा जो ये संतरी है ऐसे है, तीनों में दोनों का 1 कर देंगे, या तो संतरी फंदा आगे कर लो या घटाना हमने ये आगे करके घटाना है, 1 2, और 1 फंदा ये हरा संतरी के साथ, 3 3 फंदे संतरी हो गए, 1 फंदा ये बीच वाला हरे रंग का हो गया। अब इस फंदे के साथ संतरी फंदा घटाना है, यूँ पीछे की साइड से पहले आगे कर लो संतरी फंदा, फिर हरा कर लो, दोनों को 2 का 1, फिर 1 संतरी बना दिया, फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा हरे रंग का। अब इस फंदे के साथ अगर आप इस तरह घटा सको हो, पहले संतरी डाल के यूँ डले डले निकालने की ज़रूरत नहीं, 2 का 1, फिर 1 संतरी हो गई है, अब इन 2 का 1, फिर 1 फंदा हरे रंग का। देखो पूरी सड़ाई इस तरह दिखाई देगी, 3 संतरी 1 हरा 3 संतरी 1 हरा। अब संतरी और हरे को ऐसे पीछे की साइड पहले संतरी डाल लेंगे, फिर हरा डाल लेंगे,
ये भी बिल्कुल आसान है। अब दो का एक, फिर एक हरे रंग का। अब ये आठवीं सिलाई है, उल्टी सिलाई है, यूं डाल के आठ सिलाई का डिजाइन बनेगा ये हमारा। दो का एक, फिर एक हरा। अब ये पहले संतरी डाल लेंगे, फिर हरा डाल लेंगे, फिर संतरी बना देंगे। दो का एक, एक संतरी, फिर इन दो का एक। अब ये डिजाइन की हमारी आठ सिलाई पूरी होगी और एक डिजाइन पूरा हो गया।